नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक्निकल 2020 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीटा ऐप का रिव्यू करने वाला हूँ। इस ऐप में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप अपनी वीडियोज़ को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है, 4.1 रेटिंग है और 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। दोस्तों, इसको गूगल प्ले स्टोर में आपको सर्च करके, वीटा सर्च करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करें, कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा, तो इसमें आपको सारी परमिशन को अलाउ कर देना है, क्योंकि आप अगर परमिशन ठीक तरह से अलाउ नहीं करेंगे तो ये ऐप शायद काम ना करे। तो चलिए हम अलाउ कर लेते हैं सारी परमिशन, और आपको यहाँ एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ बाय डिफ़ॉल्ट्स बने टेम्पलेट्स, जो हमारे सैम्पल बताने के लिए हमें यहाँ पर ऊपर 3 टेम्पलेट्स आ गए हैं। तो यहाँ से जाके हम देख सकते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं हमारे। तीनों ऑप्शन में ये देखिए, 1 और ये 2 और ये तीसरा टेम्पलेट ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन प्रोजेक्ट में जाके आप अपने प्रोजेक्ट को एडिट वहाँ से कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में आप यहाँ से प्रोजेक्ट प्लस करेंगे तो आप कोई भी वीडियो बना रखे हैं आप, तो उसको वहाँ पर क्लिप में ले जाके एडिट कर सकते हैं। और तीसरे ओपन टेम्पलेट में आपको बाय डिफ़ॉल्ट ढेर सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आप वीडियो को अपने एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको प्लस पे क्लिक करके एक वीडियो का ऑप्शन में दिखा देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको बहुत सारे ऊपर भी, ये देखिए आप ऊपर आप देख रहे होंगे, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ट्यूटोरियल, जहाँ से आप देख के अपनी वीडियोज़ में बहुत ही हेल्प पा सकते हैं, और वहाँ पर आप अपनी वीडियो उस टाइप से एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लस पे जाके मैं कोई एक वीडियो में देख लेता हूँ, उसको एडिट करने का ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही आप उस पर सेलेक्ट करेंगे वीडियो को, ये कुछ टाइम लेगा अपलोड होने में। जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहां प्लस पे जाके, ये प्लस का ऑप्शन आ रहा होगा आपके ऐप में, ये देखिए ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, यहां पे जाके और वीडियोस को आप ऐड कर सकते हैं। और ढेर सारे नीचे आप देख सकते हैं ढेर सारे ऑप्शन खुल गए हैं, जैसे कि एडिट, आपको वीडियो में क्या एडिट करना है। दूसरा ऑप्शन है रेशियो, आपको किस रेशियो में वीडियो बनाना है। और इफ़ेक्ट पर जाके आप किस टाइप की इफ़ेक्ट रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये तीसरा है टेक्स्ट का ऑप्शन, इसमें टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, स्टिकर्स भी आप अपने वीडियोस में ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट भी म्यूज़िक मिल जाएंगे, आप वहां से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ़िल्टर का ऑप्शन आता है, अपनी वीडियो को अपने हिसाब से फ़िल्टरिंग कर सकते हैं, किस व्यू में आप चाहते हैं। उसके बाद वैल्यूम का ऑप्शन आता है, आप अपनी वीडियो में कितना वैल्यूम रखना चाहते हैं। और वीडियो का वीजी में आता है बैकग्राउंड का ऑप्शन, आप वीडियो का बैकग्राउंड कितना चूज़ करना चाहते हैं। तीसरा ऑप्शन, इसके बाद जो ऑप्शन नेक्स्ट आता है वो स्पीड का है, आप वीडियो की क्या स्पीड रखना चाहते हैं। उसके बाद स्केल का ऑप्शन आता है, स्केल में आप यहाँ पर वीडियो को जूम और कम कर सकते हैं, यहाँ से स्केल कितना रखना है आपको रख सकते हैं। रोटेट का ऑप्शन में आपको पता ही होगा, आप वीडियो को रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर का ऑप्शन है, इसमें किस ऑर्डर में वीडियो को रखना है। उसके बाद दोस्तों, ये सब करने के बाद जैसे ही आपका एडिटिंग फाइनल हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे जाके, आप जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी और आपकी गैलरी में जाके वीडियो सेव हो जाएगी, उस वीडियो की क्लिप को या वीडियो को आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था वीटा ऐप का रिव्यू। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के यार एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।